ग्राम पंचायत इंगोरिया के प्रमुख मार्गों पर जब सरपंच पद के प्रत्याशी कलाबाई पति धूलजी चौधरी चुनाव प्रचार करने पहुंची तो जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता दिखाई दिया। आपको बता दें कि वर्तमान सरपंच राधेश्याम चौधरी की माताजी होने के कारण उन्हें इसका फायदा भी होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्तमान सरपंच ने जनहित में कई काम किए। अब तो यह 25 तारीख को ही मतदान के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि बाजी कौन मारता है। दरअसल उनके सामने वर्षापति नरेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव मैदान में है, जिनके पिताजी भी पूर्व में सरपंच ग्राम पंचायत इंगोरिया रह चुके। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि दोनों में से बाजी कौन मारता है, मतदाताओं का रुझान किस ओर है, यह तो आने वाले 25 तारीख को पता चलेगा। पंचपक्ष के प्रत्याशी के रूप में आपकी माता जी मैदान में है, आप भी वर्तमान सरपंच रह चुके हैं, किस प्रकार इंगोरिया के बारे में आपकी राय है और आप किस उद्देश्य से दोबारा मैदान में आपकी माता जी को उतारे? मेरा ये है कि मैं राधेश्याम चौधरी सरपंच का पंचायत इंगोरिया विगत 8 वर्षों से सरपंच हूँ और मैंने गाँव में विकास के पंचायत कार्य कर रहा हूँ और उनको आगे रख कर मैं लोगों से अपील करता हूँ कि विकास में सहयोगी बने और मैंने महिला सीट होने की वजह से मैंने माता को चुनाव मैदान में उतारा। कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन लगता है कि कुछ कार्य अधूरे रहे हैं, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।